एवरीवन, वेलकम टू स्पाइस ऑफ लाइफ। आज हम साथ मिलकर बनाने वाले हैं स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्जी, लेकिन एक टेस्ट के साथ जो सब्जी के टेस्ट को दोगुना कर देगा। तो आइए चलते हैं आलू गोभी की सब्जी बनाने। ये देखिए, मैंने गोभी लिया हुआ है, 5-6 कली मैंने लहसुन की ली हुई है, 2 बड़ा प्याज काट लिया है, हरी धनिया ली हुई है, मैंने थोड़ी सी दालचीनी ली है और 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ली है, 4 मैंने लौंग ली हुई है और 5-6 मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा, 2 टमाटर काट लिए हैं और मैंने 4 आलू लिए हैं जिनको बड़े पीस कर लिया है। ये है हमारा किचन कुकिंग मसाला और इसमें है गर्म मसाला। आइए चलिए, फिर हम 2 चम्मच धनिया पाउडर लेते हैं और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा किचन किंग मसाला डालते हैं आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच और इन सभी चीज़ों को पानी डालकर मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, हमारे मसाले का घोल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम इन्हीं सब मसालों को, प्याज, लहसुन और ये जो खड़े मसाले हमने लिए हुए हैं, इनको सब मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने मिक्सर जार में इसको डालकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, पेस्ट बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम गोभी को लेते हैं। गोभी हमारे छोटे बाउल में, इसलिए हम इसको बड़े बाउल में पलट लेते हैं। इसमें हमने 4 बड़े चम्मच बेसन को ऐड किया हुआ है। ये देखिए, मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, मैंने इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, किचन किंग मसाला डाला हुआ है, हल्दी पाउडर डाला हुआ है आधा चम्मच, धनिया पाउडर डाला हुआ है आधा चम्मच और किचन किंग मसाला डाला हुआ है आधा चम्मच और थोड़ी सी इसमें मैंने गर्म मसाला ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने उतना ही पानी ऐड किया हुआ है इसमें कि बेसन बहने ना लगे और अच्छी तरीके से गोभी में लिपट जाए। ये देखिए, हमारी गोभी। चलिए अब हम कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल हमारा इतना गर्म हो जाए कि इससे धुआं निकलने लगे। अब हम एक एक करके गोभी के पीस को फ्राई कर लेते हैं। गोभी के पीस को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, हमारी गोभी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इससे थोड़ा सा ऑयल निकाल लेते हैं और इसी में हम आलू के पीस भी तल लेते हैं।
आलू हमारा कच्चा ही है, उबला हुआ आलू नहीं है, इसलिए हम इसको आलू को भी हल्का ब्राउन तल लेते हैं। ये देखिए आलू को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। आलू के पीस ध्यान रखिएगा कि थोड़े बड़े ही रखें। ये देखिए आलू के पीस हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू के पीस कितने अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें एक चुटकी हींग डाल लेंगे। फिर इसमें मैंने पेस्ट जो बनाया था प्याज लहसुन का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक भूंज लेते हैं। फिर मैंने इसमें जो घोल तैयार किया हुआ था मसाले का, वो भी ऐड कर देते हैं इसमें। ध्यान रखिएगा कि मसाले को हम ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं बल्कि लो फ्लेम में ही बनाएं। इसी में मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, सब्जी के अनुसार, सब्जी कम है या ज़्यादा है उस अनुसार आप डाल। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुंज कर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा मसाला भुंजकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें सब्जियों को ऐड कर देते हैं मसाले में और सब्जियों को अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स करते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। हमारे कटोरे में थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था, इसीलिए मैंने वो पानी ऐड कर दिया है। ऊपर से मुझे पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला हुआ है। अब इसको हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारे आलू के पीस भी पूरी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसको बाउल में पलट लेते हैं और ऊपर से हरी धनिया डाल देते हैं। ये देखिए हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस नए प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं।